इट्स 10th of August 2018। ली जॉनसन और उनके लॉयर कोर्ट रूम में ज्यूरी के वर्डिक्ट का वेट कर रहे हैं और उनके हर सेकंड का वेट उनकी हार्टबीट को और फास्ट कर रहा है, क्योंकि जिस कंपनी को उन्होंने सू किया है वो कोई ऑर्डिनरी कंपनी नहीं बल्कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी एग्रोकेमिकल कंपनी मॉन्सेंटो है। जॉनसन मॉन्सेंटो को इस प्रिटेक्स्ट पे सू कर रहे हैं कि उनके वीट किलिंग प्रोडक्ट राउंडअप की वजह से जॉनसन हैज बीन डायग्नोस्ड विद अ डेंजरस फॉर्म ऑफ कैंसर कॉल्ड स्पॉन्टेनियस टी सेल लिम्फोमा नॉन हॉजकिंस। फाइनली जोरर ने अपना वर्डिक्ट रीड करना स्टार्ट किया। आई विल नाउ रीड द वर्डिक्ट इन द मैटर ऑफ ड्वेन जॉनसन प्लेंटिफ वर्सेस मॉन्सेंटो कंपनी डिफेंडेंट। और उसके कुछ सेकंड्स बाद अनाउंस्ड कि मॉन्सेंटो मिस्टर ली जॉनसन को $289 million पे करेगी फॉर द डैमेजेस इट कॉज्ड हिम। ली जॉनसन वॉज द फर्स्ट मैन हु टुक ऑन अ फाइट अगेंस्ट मॉन्सेंटो, लेकिन 2018 से 2020 तक मॉन्सेंटो, जिसे अब बायर ने खरीद लिया है, उस पे ऐसे 125,000 और केसेस लगाए गए और इन सब लोगों को वो अराउंड $10 billion का कॉम्पनसेशन पे कर चुके हैं। $10 billion, दैट इज अराउंड 80,000 crores, कोई स्मॉल अमाउंट नहीं होता। लेकिन ऐसा क्या किया मॉन्सेंटो ने कि उन्हें बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फाइन पे करना पड़ा? वेल, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट इन दिस वीडियो। टू पुट इट ब्लंटली, you're dying. Yes. The chemical company Monsanto has agreed to pay the state of Oregon $700 million. We knew that it caused cancer, but we didn't know that Monsanto knew. So if you're for transparency, why spend so much money to make sure that it doesn't happen? Protests were held in dozens of cities around the world today against Monsanto. It's got to stop. Hi guys, welcome to Learner's Lounge. I'm इंदर कपूर और आज के एपिसोड में हम एक ऐसी कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे जिसने अपने प्रॉफिट्स के लिए मिलियंस ऑफ पीपल को पॉइजन किया और आज भी यही कर रही है। दिस इज द स्टोरी ऑफ द मोस्ट इवल कंपनी ऑफ द वर्ल्ड, मॉन्सेंटो। मॉन्सेंटो को जॉन क्वीनी ने 1901 में एज अ केमिकल कंपनी शुरू किया। इनिशियली इन्होंने अपना बिजनेस सैक्रिन प्रोडक्शन से स्टार्ट किया, जो कि एक ऐसा आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है विच इज 300 times स्वीटर देन शुगर। उनके पहले कुछ कस्टमर्स में से सबसे बड़ा कस्टमर था कोका कोला, जो आज भी अपनी डाइट कोक में सैक्रिन को एज अ स्वीटनर यूज करता है। लेकिन अमेरिका की सबसे पहली सैक्रिन प्रोड्यूसिंग कंपनी होने के बाद भी मॉन्सेंटो काफी टाइम तक ज्यादा प्रॉफिट्स अर्न नहीं कर पा रही थी, और इसका रीजन था जर्मनी, बिकॉज जर्मनी हैड अ मोनोपोली इन द प्रोडक्शन ऑफ दिस आर्टिफिशियल स्वीटनर एंड देयरफॉर पूरे वर्ल्ड में जर्मनी ही इसे एक्सपोर्ट करती थी। बट दैट चेंज्ड विद द बिगिनिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। 1917 में यूएस ने जर्मनी पर वॉर डिक्लेयर कर दी और इन दोनों कंट्रीज में ट्रेड होना बंद हो गया। दिस मीन्स कि जर्मनी अब यूएस में सैक्रिन को एक्सपोर्ट नहीं कर सकती थी। इस ट्रेड पॉलिसी का पूरा बेनिफिट मॉन्सेंटो को मिला। नेक्स्ट 2 years में मॉन्सेंटो के रेवेन्यूज $80,000 से अराउंड $900,000 हो गए, और इस ग्रोथ की वजह से मॉन्सेंटो बिकेम वन ऑफ द टॉप केमिकल कंपनीज इन द यूनाइटेड स्टेट्स। बाय द 1920s मॉन्सेंटो ने अपनी प्रोडक्ट रेंज को एक्सपैंड करना शुरू कर दिया और अब वो इंडस्ट्रियल केमिकल्स भी बनाने लगी, और ये इंडस्ट्रियल केमिकल्स सिर्फ ट्रांसफॉर्मर्स, रबर या एडहेसिव के प्रोडक्शन में नहीं बल्कि मिलिट्री इक्विपमेंट में भी यूज होते थे। सो व्हाइल दीज केमिकल्स वर इनफैक्ट इंपॉर्टेंट, दे वर एक्सट्रीमली टॉक्सिक। लेकिन कितने टॉक्सिक? वेल, दिस इज वेयर इट गेट्स इंटरेस्टिंग। 1939 तक, दैट इज वर्ल्ड वॉर 2 के शुरू होने से पहले तक, मॉन्सेंटो हैड बिकम अ मेजर सप्लायर ऑफ केमिकल्स टू द यूएस मिलिट्री। और 1941 में जैसे ही यूएस ने वर्ल्ड वॉर 2 में एंटर किया, दे लॉन्च्ड अ सीक्रेट प्रोजेक्ट कॉल्ड द मैनहट्टन प्रोजेक्ट। This project was the American effort to create the world's first ever atomic bomb. इस पूरे प्रोजेक्ट में मॉन्सेंटो एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट था, और उन्होंने इन एटॉमिक बॉम्ब्स की डेवलपमेंट के लिए एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट केमिकल सप्लाई किया। एंड माइंड यू, ये वही बॉम्ब्स थे दैट वर लेटर ड्रॉप्ड ऑन टू द जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। सच वॉज द टॉक्सिसिटी ऑफ मॉन्सेंटोस इंडस्ट्रियल केमिकल्स। और सिर्फ यही नहीं, 1965 में जब यूएस ट्रूप्स ने वियतनाम को इन्वेड किया, तो मॉन्सेंटो ने यूएस को एजेंट ऑरेंज नाम की एक डेडली गैस सप्लाई की। वियतनाम को सरेंडर करवाने के लिए यूएस मिलिट्री ने 123 million गैलन्स ऑफ एजेंट ऑरेंज उनकी एग्रीकल्चरल लैंड पे स्प्रे किया। इस केमिकल ने ना ही सिर्फ उनकी क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय किया, बट इनफैक्ट 4.8 million लोगों को भी हार्म किया। To this day,
people in Vietnam are being born with deformities, all because of Agent Orange supplied by Monsanto. अब जब तक wars चलती रहीं, Monsanto का business भी profitable रहा, लेकिन wars खत्म होने के बाद Monsanto की chemicals की demand कम हो गई, and by the 1980s, the company was struggling to survive. इस do or die situation में Monsanto ने एक new war शुरू की. A war against the enemies of agricultural crops, weeds and insects. और इस war के लिए they devised a new chemical weapon in the form of a herbicide called glyphosate. To give you a little context, agriculture industry में जब एक farmer कोई भी crop grow करता है तो उस crop के open environment में रहने की वजह से there is always a threat on the crop to be harmed by some pests in the nature. अब ये pests जो एक crop को destroy कर सकते हैं, ये एक insect भी हो सकता है और कोई unwanted plant भी. And to protect the crop, farmers को कुछ chemicals use करने पड़ते हैं जिन्हें हम pesticides कहते हैं. इन pesticides के बहुत सारे types होते हैं, जिसमें से एक होता है herbicide. और glyphosate ऐसा ही एक herbicide है, which aims to kill weeds that threaten a crop. Monsanto was the first company in the world to have discovered the weed killing property of glyphosate. उन्हें पता था कि ये agriculture industry में एक revolution ला सकता था, तो Monsanto ने glyphosate को एक नए brand name से sell करना शुरू किया, called Roundup. धीरे-धीरे Roundup world में famous होने लगा, and over the next two decades, Roundup Monsanto का सबसे profitable product बन गया, contributing billions of dollars to its revenues every year. और glyphosate के low price की वजह से वो हर farmer के लिए एक essential commodity बन गया, so much so that millions of farmers were using it on their crops. Till the year 2000, Monsanto ने पूरे world की glyphosate market को अकेले dominate किया, क्योंकि इन्होंने अपने product पे patent लिया हुआ था, और कोई और company इसे sell नहीं कर सकती थी. While this was a crucial factor in the success of Monsanto, it was still not all. Monsanto की success का एक और reason था, GM और genetically modified crops. मतलब कुछ ऐसे क्रॉप्स जिनकी सीड्स के डीएनए को अल्टर करके उनमें कुछ डिजायरेबल ट्रेट्स इंसर्ट किए जा सकते हैं, सच एज अ प्लांट डेवलपिंग रेजिस्टेंस अगेंस्ट अ हर्बिसाइड लाइक राउंडअप. लेट मी एक्सप्लेन. जीएम क्रॉप से पहले राउंडअप को सिलेक्टिवली यूज करना पड़ता था, दैट इज इट वाज सपोज्ड टू बी यूज्ड ओनली ऑन द वीड्स, क्योंकि अगर वो पूरे प्लांट पे स्प्रे किया जाएगा तो उससे प्लांट भी डैमेज हो जाता. लेकिन आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ जीएम क्रॉप्स, Roundup could now be used on the entire plant. Monsanto ने ये क्लेम किया कि GM क्रॉप से ना ही सिर्फ फार्म्स में यील्ड बढ़ेगी, बल्कि फार्मर्स Roundup को और भी एफिशिएंटली यूज कर पाएंगे. Slowly, GM crops became another big invention in the agriculture industry. अब फार्मर्स Roundup तो बाय कर ही रहे थे और उसके साथ साथ GM crops भी. और क्योंकि Monsanto ने अपने GM crops पे भी पेटेंट लिया हुआ था, according to their contract, it was illegal for a farmer to save or reuse their seeds. मतलब every year farmers को Monsanto से new GM seeds buy करने होंगे. This ensured a stable revenue stream for Monsanto, and GMO plus Roundup became a deadly combination for them. लेकिन कुछ time बाद people started noticing something odd. Farmers की body पे rashes होने लगे थे, और ये rashes normal नहीं थे. Turns out कि ये rashes एक highly dangerous cancer के symptoms थे, called the non-Hodgkin's lymphoma. और यही cancer Lee Johnson और उन सारे 125,000 farmers को था जिन्होंने Monsanto को sue किया. In 2015, WHO की एक एजेंसी IARC ने बहुत सारे एविडेंसेस स्टडी करने के बाद ये क्लेम किया कि ग्लाइफोसेट एक कार्सिनोजेनिक, दैट इज कैंसर इंड्यूसिंग केमिकल है. लेकिन इन सारे एविडेंसेस और इतनी पेनल्टी पे करने के बाद भी Monsanto और रादर बायर स्टॉप मैनेजमेंट स्टिल क्लेम्स ग्लाइफोसेट टू बी सेफ. डू नॉट बिलीव दैट ग्लाइफोसेट इन अर्जेंटीना इज कॉजिंग इंक्रीजेस इन कैंसर. यू कैन ड्रिंक अ होल क्वार्ट ऑफ इट एंड इट वोंट हर्ट यू. इट्स यू वांट टू ड्रिंक सम? वी हैव सम हियर. आईड बी हैप्पी टू actually, but you, not really. I know it wouldn't hurt. I mean, me. If you say so, I have some glyphosate. No, I'm not stupid. When I look at the jury verdict, it's
It's wrong. No. It doesn't change the science. The 800 tests, it doesn't change the science. As you just saw, Bayer ke VP ka ye kehna hai that the verdict was wrong. But shayad ek verdict wrong ho sakta hai. Par kya 125,000 verdicts wrong hai? And as far as their 800 studies are concerned, Monsanto ke internal documents ye khud prove karte hain ki inme se almost 90% evidence false or corrupted hai. एक्चुअली मोनसेंटो पे इतने लॉसूट्स होने की वजह से कोर्ट ने उन्हें अपने इंटरनल डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने को कहा और इन पेपर्स ने मोनसेंटो की बहुत सारी डर्टी ट्रिक्स को रिवील किया, जैसे हाउ दे हैव फंडेड हंड्रेड्स ऑफ रिसर्च एजेंसीज टू राइट इन देयर फेवर. इनफैक्ट इन पेपर्स ने ये भी रिवील किया कि मोनसेंटो में वर्क करने वाले साइंटिस्ट ने बहुत पहले ही ग्लाइफोसेट के रिस्क को डिस्कवर कर लिया था, बट द कंपनी हैज बीन हाइडिंग दिस ever since. While some countries have started banning glyphosate, most haven't. और आज तक वर्ल्ड में इससे बेटर हर्बिसाइड डेवलप नहीं हो पाया. तो इवन दो फार्मर्स इसे यूज नहीं करना चाहते, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है. What made things even worse for the farmers was that slowly Monsanto के GM crops की weeds ने Roundup के against एक immunity develop कर ली. मतलब अब weeds को kill करने के लिए farmers को और ज्यादा Roundup use करना पड़ेगा. इससे GM crops की performance खराब होने लगी. And to their horror, farmers ने realize किया कि एक बार GMO seeds use करने के बाद वो उस land पे normal seeds use नहीं कर सकते थे. This means that once they start using GM seeds, तो उन्हें हर साल यही सीड यूज करने पड़ेंगे एंड दिस विल कीप देम बाइंग द सीड्स फ्रॉम मोनसेंटो एवरी ईयर. एज ऑफ 2020 मोनसेंटो वर्ल्ड की 31% सीड मार्केट को कैप्चर कर चुका है एंड 90% ऑफ ऑल जीएमओज इन द वर्ल्ड आर कंट्रोल्ड बाय देम. देयर अल्टीमेट प्लान वाज टू मेक द फार्मर हैबिचुअल एंड देन चार्ज हाई प्राइसेस फॉर दीज सीड्स. और कुछ ऐसा ही हुआ. लास्ट 20 इयर्स में जीएम सीड्स के प्राइसेस 700% से इंक्रीज कर चुके हैं. मोनसेंटो की इन्हीं ब्रूटल प्रैक्टिसेस की वजह से टुडे फार्मर्स अक्रॉस द वर्ल्ड हैव कम एट देयर मर्सी. जीएमओस वांट जीएमओस फॉर फीडिंग द वर्ल्ड. दे वर द डोर टू ओनिंग लाइफ ऑन अर्थ. इफ वी लुक एट द हिस्ट्री ऑफ मोनसेंटो, वी विल रियलाइज दैट लास्ट 120 इयर्स से दिस कंपनी हैज बिल्ट इट्स बिजनेस बाय पॉइजनिंग पीपल और आज भी वो यही कर रही है. सिर्फ यही नहीं, मोनसेंटो अपने जीएम सीड्स के थ्रू पूरे वर्ल्ड की फूड इंडस्ट्री को भी कंट्रोल करना चाहती है. एट दिस पॉइंट इट हैज बिकम एक्सट्रीमली क्रूशियल फॉर गवर्नमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड टू कम टुगेदर एंड स्टॉप मोनसेंटोस ग्रोइंग इन्फ्लुएंस और एल्स सून द कंपनी विल इनगल्फ द एंटायर वर्ल्ड. दैट्स इट फॉर टुडे. फॉर दिस एपिसोड वी रेफर टू द बुक मोनसेंटो पेपर्स बाय कैरी गिलम. We'll see you in the next video. Till then, don't forget to like, share, and subscribe to the channel.